नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर मंदसौर से है। यहां पर नाहरगढ़ में 30 गायों को एक मोटर बोट के द्वारा नदी के किनारे छोड़ दिया गया। इसके बाद से उनका भूख प्यास से हाल बेहाल था। उनमें से कुछ गायों की मौत भी भूख प्यास और पानी की कमी की वजह से हो गई थी। बताया जा रहा है कि गांव सेसड़ी के चंबल क्षेत्र के टापू पर करीब 30 गायों को स्टीमर से छोड़ा गया था। हालांकि किसान संगठन और करणी सेना द्वारा 20 गायों को बोट के द्वारा रेस्क्यू किया गया। मल्हारगढ़ SDM द्वारा नाहरगढ़ थाना प्रभारी से रेस्क्यू के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो उनका काम नहीं है। प्रशासन और पुलिस के इस रवैये से ग्रामीण जन भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। 14 सितंबर को जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में आसपास के गांव वालों ने गायें कम से कम 20 से 25 गायें ढोला मगरा पे छोड़ दी गई थी, जो सिसड़ी गांव के पास में नजदीक है। वहाँ पे पानी भराने, बाढ़ का पानी भराने की वजह से वहाँ पे सब गायें फंसी हुई, और जिसमें से 4-5 गायें तो मर चुकी है, और लगभग हम 20 गायें हम वहाँ से लेके आ गए रेस्क्यू ऑपरेशन, और 2-3 गायें और अभी वहाँ पे है। और इसके लिए व्यवस्था प्रशासन के द्वारा हम मांग कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था करी जाए, और हमारे किसान राष्ट्रीय किसान संगठन द्वारा और करणी सेना के सदस्यों द्वारा ये रेस्क्यू टीम रेस्क्यू चलाया गया, और करीबन सुबह 8 बजे से सब यहाँ पे उपस्थित रहे। और मैं बोट वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी हमारा बहुत काफ़ी साथ दिया, दोनों बोट वालों ने। धन्यवाद। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।